हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। जी हाँ, जो चीज़ आप लोग डिमांड कर रहे थे कि यार सर हिस्ट्री बना दो, हमने हिस्ट्री बना दिया। आपने बोला सर ज्योग्राफी बना दो, ज्योग्राफी बना दिया। साइंस एंड मैथ्स ऑलरेडी सब चीज़ कंप्लीटेड है, तो यार आप लोग का एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ था यानी कि पॉलिटिकल साइंस, यार उसको भी हम लेकर आ गए। तो आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि आज जो इस चैप्टर है इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा क्योंकि पहला ही लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और चीज़ कि जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड मैथ्स, ये सभी चीज़ के वीडियोस ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। पूरे चैप्टर्स वाइज, पूरे लेक्चर वाइज हर चीज़ अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। बस आपको जाके ढूंढना है और अपने अपने चैप्टर्स अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ढूंढ के पढ़ लेना है, ठीक है? जरूर से देख लेना। साथ ही में हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है जे आर टॉक्स। उसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस के, जैसे कि आप 10th में आ चुके हो तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार 10th के बाद कौन कौन सी करियर होती है, चूज करनी चाहिए, आईएएस, आईपीएस, सीए कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ के ऊपर ना वीडियोस हमने डाल रखे हैं। और साथ ही में अगर आपको कुछ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की जरूरत होगी तो उस टाइप के वीडियोज़ भी हमने अपलोड किए हुए हैं हमारे सेकंड चैनल जे आर टॉक्स पे। तो प्लीज़ एक बार वो चैनल को भी विजिट कर लेना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और साथ ही में अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी का भी जो लिंक है वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर नॉर्मली बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। अब संविधान क्या होता है, आपको याद होगा कि शायद 8th में, आई गेस, मुझे जहाँ तक याद है 7th में, ठीक है ना, एक सिविक्स में आपका एक चैप्टर था जिसमें आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था। यानी कि आप लगभग 10th में आ गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो एक और बार फिर से एक आपको याद दिलाने की मैं कोशिश करूँ, रिकॉल मोमेंट जो होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो संविधान क्या होता है, एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी एक अपना अपना रूल होता है कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जैसे कि अगर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसको जो चाहिए मन में आए वो नहीं कर सकती। उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है और वो चीज़ लिखे गए हैं हमारे किसके अंदर, संविधान के अंदर ऑलरेडी सब चीज़ लिखे गए हैं, ठीक है? मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो वो उसके मन में जो आए, कुछ भी मर्जी आए, मनमानी आए और पावर का मिसयूज़ करना है तो वो चीज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर वो चीज़ करती है तो उनके खिलाफ जो है ज्यूरिसडिक्शन एक्शन ले सकता है। व्हाट डू मीन बाय ज्यूरिसडिक्शन, यानी जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के भी ऊपर होते हैं, क्योंकि वो जो है वो ये देखते हैं कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीज़ जो है देखने का काम ज्यूरिसडिक्शन का होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में अब तक जितना भी आपने पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा, तो ये सब चीज़ जो भी पढ़ा है ना दोस्तों वो क्या बताता है, आपके लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है, कुछ वैल्यूज है, फिलोसॉफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर कैसे गवर्नमेंट ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स, रिफॉर्म्स जो फॉर्म किए हैं वो सभी चीज बताता है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ये हमारे इंडिया का एक इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी काम आता है। यानी कि अगर आपके अंदर, यानी कि देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी एक वैल्यू होती है, इसके एक बोलते हैं ना पहचान अलग से होती है। जैसे कि हमारे इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि यार हमारे देश में सबसे ज़्यादा वोटर्स भी है और सबसे बड़ी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा, इतना ज़्यादा पब्लिक को हैंडल करना और इतनी बड़ी गवर्नमेंट चलाना किसी के बस में बात, बस की बात नहीं है। यानी कि जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं यार, उनकी पॉपुलेशन तो पहले तो बहुत ही कम होती है, देखा जाए तो सिर्फ हमसे सिर्फ कौन आ गए, चाइना ही तो आ गए, हम सेकंड नंबर पे आते हैं ना पॉपुलेशन में, सिर्फ हमसे चाइना ही आ गए। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, और इतनी बड़ी वर्ल्ड में, इतने टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में हमारे इंडिया एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाता है। यानी चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है फिर भी उसकी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है जितनी हमारी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? तो ये सभी चीज़ किसके वजह से हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही कायम है दोस्तों। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको क्या करना है, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन को एक तरीके से एस्टाब्लिश करना है। व्हाट डू मीन बाय सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन, यानी कि यार हमें एक ऐसा लोकतंत्र बनाना है, इंडिपेंडेंट लोकतंत्र बनाना है जिसमें हम जो भी चीज़ करेंगे वो हमारे संविधान के हिसाब से करेंगे और इसमें कोई भी सेक्युलरिज्म नहीं होगी, यानी जातिवाद ये सब जो है वो नहीं होगा, एक प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जब भी कोई गवर्नमेंट के कुछ मंत्री बनाए जाते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर
इस प्रकार के जो मेंबर्स बनाए जाते हैं उनको कभी भी अपने जाति के आधार पे नहीं बनाया जाता है, उनका जो काम होता है उसके हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि अगर कोई है जिनका योगदान फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा था, उनके पास नॉलेज है, तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। किसी का अगर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नाम था एंड स्पोर्ट्स में उनको नॉलेज है तो सबसे पहले उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाता है। एंड धीरे धीरे जब एक्सपीरियंसेस वगैरह आते जाते हैं एंड बोलते हैं ना हम लोग तजुर्बा जो जुड़ता जाता है उसके हिसाब से अलग अलग पोस्टिंग दी जाती है, अलग अलग जो पद होती है मंत्रालय में वो दिया जाता है। लेकिन हाँ, वो सब चीज़ बात की बात है, वो हमारा मुद्दा नहीं है डिस्कस करने का। मुद्दा ये है कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है, या फिर हमारा जो कंट्री है वो इतना अच्छे से चल पा रहा है, ये सब चीज़ हो गया। और ये चीज़ की वजह से हमारे जो इंडियंस है, या फिर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ पहले तो इंडियंस के जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, बहुत सारे राइट्स है हमारे, जो हक है वो इसमें यहाँ पे एस्टाब्लिश किए गए। तो इमेजिन करो अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या एक आम इंसान का जो हक है कि वो खुल के लाइक कुछ भी काम कर सकता है, या फिर कुछ भी अपने बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है, या फिर अपने हिसाब से वो जी सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, अंग्रेज के ज़माने में पहले ऐसा नहीं होता था, राजा महाराजों के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जो राजा करेगा वही करेगा, अगर वो उसके खिलाफ गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप गवर्नमेंट को गाली भी दे दो तो भी चल जाता है, बिकॉज वी हैव द राइट टू स्पीच, ठीक है ना। ये राइट टू स्पीच मतलब मैं जो बोल रहा हूँ अगर मैं गवर्नमेंट को गाली भी दे दूँ तो भी यहाँ पे कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मुझ पर एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि मेरे पास एक राइट टू स्पीच है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, उसके लिए कोई सजा नहीं है। बाकी देश में जाओगे तो यार अगर आपने गलती से गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया ना आपको सीधा जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो यार डिफरेंस समझ लो यार, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जो लोग इंडिया को गाली देते हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, यार सच में बोल रहा हूँ, आप पहले इंफॉर्मेशन ले लो। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आपको पता नहीं होगी अंदर ही अंदर चीज़ें से। ये सब चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग को सिर्फ किताबी चीज़ें याद ना रहा, किताबी चीज़ें जो है वो तो हम पढ़ा ही लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज भी जो है हम आपको देने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसका इंपॉर्टेंट तौर पर मैं बता दूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था 26 जनवरी को, ये सभी को पता होगा, ये सेवन्थ में भी आपने पढ़ा होगा, एट में भी पढ़ा होगा। तो 26 जनवरी 1950, ये जो साल था, ये जो ईयर था, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था और बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। और नॉर्मली इनके पीछे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है ना, बाबा साहेब जो थे हमारे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली प्यार से, तो वो जो थे ना उनका एक बहुत बड़ा योगदान था इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता गया एंड इसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत सारी चेंजेस देखे हमारे गवर्नमेंट के अंदर, और किस तरह से हमारी कंट्री आज के डेट में अवेलेबल है। लगभग ये इसको बनाए हुए 1950 में बनाए गए थे, तो आज लगभग 2021 है, यानी लगभग 71 ईयर्स बीत चुके हैं, और 71 ईयर्स में हमारे इंडिया में इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आए और हम कितने जल्दी तरक्की कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं ये सभी को पता है दोस्तों, क्लियर है। तो ये चैप्टर में बेसिकली हमें यही सब पढ़ना है इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कैसे हम लोग सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करेंगे, एंड प्राइमरी फोकस जो है तीन मेन एरिया में रहेगा। पहला डेमोक्रेसी क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, सोशल जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको इस चैप्टर के अंदर का, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक वाइज, यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है दोस्तों वो है दोस्तों डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी जैसे मैंने बताया, डेमोक्रेसी का हिंदी का वर्ड होता है दोस्तों लोकतंत्र। जैसे कुछ अगर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको मैं बता दूं लोकतंत्र होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा जो कंट्री है वो लोकतंत्र का देश है ना, यानी कि हम जो है आम इंसान जो है वो चूज करते हैं गवर्नमेंट को। भले गवर्नमेंट हमारी सरकार जो है वो पूरे देश को चलाती है, लेकिन उसको चूज करने का काम कौन करता है, हम। और कैसे चूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जनरल इलेक्शन, यानी कि हम हर 5 साल पे जो है नॉर्मल हमारे इलेक्शंस करवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए 5 साल में एक बार होता है। वैसे तो हर जो है दोस्तों स्टेट के हिसाब से एंड नगर पालिका के हिसाब से, अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के लेवल के हिसाब से, गाँव के हिसाब से अलग अलग इलेक्शंस जो है वो होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पॉलिटिकल मेच्योरिटी की अगर हम बात करें कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें अगर मैं पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात करूं तो ये एक ऐसा चीज़ है कि हमारा जो इंडिया है ये संविधान के कारण और डेमोक्रेसी के कारण दोस्तों हमारा इंडिया पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल पे आ गया है, ठीक है ना। पॉलिटिकल मेच्योरिटी इसी को बोलते हैं नॉर्मली। एंड इसमें होता क्या है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो डेमोक्रेसी द्वारा बनाए गए थे ये दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करता है हमारे सिस्टम को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटीग्रल पार्ट जो है बन चुका है हमारे पॉलिटिकल लाइफ का, ठीक है ना। हमारे पूरे सोसाइटी के लिए पॉलिटिकल लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट बन चुका है। और लोग के अनुसार अगर हम बात कर लेंगे, जो इंडियन पीपल जो होते हैं ना नॉर्मली, ये पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेशन में और लोकल गवर्नमेंट भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि एक आम इंसान भी पॉलिटिकल इसमें घुस सकता है, पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो सकता है, बस उसको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा, कुछ कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी का बेटा है तो ही बनेगा, जैसे पुराने ज़माने में होता था यार, पूरे खानदान में लोग एक के बाद एक आते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर आपको बनना है तो डेफिनेटली एक आम इंसान लोकल बॉडी भी जो है वो ज्वाइन हो सकती है कोई भी लोकल गवर्नमेंट के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसी से हमारा जो लोकतंत्र है
हमारा जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल बनता है। यानी कि यार इतनी कामयाबी कैसे है, जैसे कि बाहर देश में देखोगे तो बहुत ही छोटी डेमोक्रेसी है और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमारी इंडिया की जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही अच्छे से चलती है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, तो एक और टॉपिक आज के दिन में जो मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ाना है दोस्तों, वो है दोस्तों राइट टू वोट। ठीक है ना, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लेना चाहता था स्टार्टिंग से, मैंने बोला ठीक है, तो आपको अगले दिन से यानी लेक्चर नंबर 2 से आपको और ज़्यादा डीप में लेक्चर मिलेंगे, लेकिन आज जो है हमारा ये आखिरी टॉपिक है राइट टू वोट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स वगैरह एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, थ्योरेटिकल जो एग्जाम्स होते हैं आपके उसमें पूछते हैं। ठीक है, तो वोट का आधार यानी कि हमारा जो हक है वो वोट का है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ये संविधान बनाया गया तो इलेक्शंस जब करवाए गए तो इलेक्शंस करवाने में किन लोग को वोटिंग का हक था, आम इंसान को, यानी कि अब आम इंसान को भी वोटिंग करने का पूरा पूरा हक है। एंड यही वोटिंग के वजह से गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट को चूज किया जाता है, यानी कि इन शॉर्ट किसको गवर्नमेंट में लाना है, किसको सत्ता में नहीं लाना है, गवर्नमेंट में नहीं लाना, ये किसके हाथ में, आम इंसान के हाथ में पावर आ गया, यानी कि वही है हमारा हक। हक यानी राइट का मतलब क्या होता है, हक है हमारा, राइट टू वोट, जैसे राइट टू स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मेरा मर्जी, स्पीच है मेरा राइट, मेरे को एक संविधान में प्रोविजन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं बोल सकता हूं, उसी प्रकार वोट करने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो हमें दे दिया गया है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है मैं बताऊंगा। लेकिन पहले की बात अगर मैं बताऊं कि जब हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा जब चल रहा था, यानी कि जब पहले की बात थी दोस्तों हमारे इंडिपेंडेंस 1947 के पहले, तो होता यह था कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हमें दे दी गई थी, यानी कि हम जो है गवर्नमेंट को चूज नहीं कर सकते, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी अगर बात करें हम अपना वोट नहीं दे सकते, तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है दोस्तों हमारे गवर्नमेंट में थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम एंड उसके पहले भी ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी थी, लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिल गई, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ये जितने भी चीजें रिस्ट्रिक्शंस जो थी कि आम इंसान वोट नहीं कर सकता, चूज नहीं कर सकता अपने हिसाब से जो करना है उसको, यानी कि अगर कुछ बोलना भी चाहता है तो वो बोल नहीं पाते थे इंडिपेंडेंस के पहले, ठीक है ना, उनको सजा हो जाती थी, जैसे कि पता है ना हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स सिर्फ बोलने की वजह से ही उनको सजाए मौत या फिर सजा जेल में डाल के बहुत सारी अलग अलग टाइप की सजा दी गई थी। तो ये जो चेंजेस थी वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद आया कि यार जो नियम कानून जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे एक आम इंसान के ऊपर वो सभी चीज हटाए गए, राइट टू फ्रीडम बना दिया यानी हमें आजादी का पूरा हक है, राइट टू स्पीच बनाया यानी हमें बोलने का, राइट टू इक्वालिटी यानी कि हर कोई इक्वल है, कोई छोटा कास्ट का नहीं है, कोई बड़ा कास्ट का नहीं है, सब इक्वल है, फिर राइट टू वोट बनाया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि यार अगर आपको गवर्नमेंट को चूज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो होनी चाहिए ना, अगर देश को चलाना है सिस्टमैटिक तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो यार आपको वोट करना इंपॉर्टेंट है, तो एक सिस्टम बनाया गया, इलेक्शन कमीशन बनाया गया और उसमें वोटिंग सिस्टम चलाया गया, तो जो इंसान वो टाइम पे जो इंसान 21 ईयर से ज़्यादा होगा यानी 21 ईयर कंप्लीट कर चुका होगा, कोई भी हो, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, तो वो टाइम पे 21 साल का अगर होने के बाद हो गया तो उसको एडल्ट माना जाता था, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई इंसान को एडल्ट मुझे मानना है तो वो कम से कम 21 साल का होना है, कोई भी बॉय हो या फिर गर्ल, और इन्हीं को अनुमति थी, इन्हीं को ही राइट था, इनको ही हक था, अधिकार था कि वो वोट कर सके, और उसके अलावा कोई उनसे छोटे होंगे तो उनको हक नहीं है, क्योंकि यार पहले ये माना जाता था कि अगर आप एडल्ट नहीं हो तो आपके पास इतनी समझ नहीं है कि आप कौन से गवर्नमेंट कौन से मेंबर्स को चूज करो, लेकिन जैसे आप एडल्ट यानी कि आप मैच्योर हो चुके हो, आपके पास आइडिया आ गया है, तो आप गवर्नमेंट को चूज कर सकते हो यानी कि वोट कर सकते हो, तो ऐसा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो ये जो उम्र थी 21 इयर्स ऑफ एज जो पहले थी उसको चेंज करके 18 साल कर दिया गया, क्योंकि लोगों को ये लगा, गवर्नमेंट को ये लगा कि यार जब जो भी मतलब लाइक बॉय या फिर गर्ल है तो उनकी जो मेच्योरिटी है वो यहाँ पे लगभग 18 इयर्स के आसपास ही आ जाती है, और उन्होंने एनकरेज किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर हमारे जो जो नए यूथ होंगे ना, यार 18 साल के बच्चे यानी यूथ है, यंग बच्चे हैं, तो वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था, जो लोग खानदानी थे वही चलते आ रहे थे, लेकिन नया लोग कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता था, और लिमिटेशंस भी थे कि आप 21 साल के होने चाहिए, अदर अदर जो फालतू के जो रेगुलेशंस थे वो सब थे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बोला एंड इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये सब करने के बाद उनको एक चीज समझ में आया कि यार हम जब एज को कम कर देंगे तो जो यंग बच्चे हैं, जो यूथ है, वो भी इंटरेस्ट लेने लगेगा पॉलिटिक्स में, एंड वो भी पूरी कोशिश करेगा कि हम पॉलिटिक्स में आए, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जितने यंग रहेंगे उतना अच्छा दिमाग रहेगा और उतना अच्छे से तेजी से हम तरक्की कर सकते हैं, और हमारा डेमोक्रेसी जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, बहुत अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए यहां पर गवर्नमेंट ने की थी, तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो है हमारे इंडिया में बनाए गए, और इसीलिए हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन पाया, यानी सबसे बड़ा जिसका लोकतंत्र है पूरी दुनिया में वो हमारा इंडिया है दोस्तों। तो ये चीज़ हो पाया, ठीक है ना। और ये जो चेंज हुआ ये क्वांटिटेटिव भी हुआ, क्वालिटेटिव भी है, यानी कि हमारा क्वांटिटी भी बढ़ता गया, क्वालिटी भी बढ़ गया। एंड ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं, नए नए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होते गए जिसमें कुछ यंग भी थे, यानी कि कुछ ऐसे यंग लीडर्स, यानी कि जैसे आप जैसे हम जैसे कुछ लोग कि मुझे कुछ अलग करना है देश के लिए, तो हमने कुछ नए नए पार्टीज भी बनाना शुरू किया। यानी कि वो टाइम पर ऐसा चेंजेस आया हमारे इंडिया के अंदर कि लोग जो है खुद से ही पार्टीज बनाना शुरू करने, जिसमें कुछ लोग शामिल होकर कुछ देश के लिए काम करने लगे, कुछ समाज सेवा करने लगे, ऐसे बहुत सारी चीजें करने लगे। एंड धीरे धीरे लोगों का एक्सपेक्टेशंस एंड बाकी जो चीज है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। एंड ये सभी चीज पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेसी एंड द चेंजेस विच अकर इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि थोड़ा सा छोटा रखना चाह रहा हूं लेक्चर आज का, क्योंकि कुछ आप बोल सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 जो आएगा ना, टेंशन मत लो, फटाफट से अगले दिन ही लेकर आ जाऊंगा। तो लेक्चर नंबर 2 जो आएगा दोस्तों, आप लोग को इसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन है डेमोक्रेसी का, फिर राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, पहला हमारा पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर देना। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।